हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सिंह हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, एमसीसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिस डाला था कि आज हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली एमसीसी ने अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रोविजनल रिजल्ट है वो जो डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन भी बच्चों ने एमसीसी राउंड वन की रजिस्ट्रेशन की थी उनका बच्चों का जो रिजल्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। अब कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, क्या क्या बच्चों का रिजल्ट रहा है, तो आइए फटाफट चेक करते हैं बिना टाइम वेस्ट के कि क्या रहा बच्चों का रिजल्ट। बच्चों जैसे आप गूगल के ऊपर एमसीसी सर्च करोगे, सर्च करने के इस तरह की इनकी सबसे पहले नंबर की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट इवेंट्स के अंदर यहाँ वाला इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजन रिजल्ट जो राउंड वन का नीट यूजी 2024 का जो वो डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे ही आप इस चीज के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है यहाँ पे डिक्लेयर जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन बच्चों को कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो ये सारा की सारी पीडीएफ आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रैंक लिखा हुआ, फिर आपका अलॉटेड कोटा है, फिर कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, कोर्स क्या हुआ है। तो जो तो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो उनको अब अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो करना है। तो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उनको चेंज कराना है तो वो अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। अपग्रेड आपको कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 1098 पेजेस की ये जो पीडीएफ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे के सारे बच्चों को एमबीबीएस जो वो अलॉट हुआ है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हुआ है। सारी की सारी पीडीएफ आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों को बीच बीच में क्या है, डीम्ड जो है बीडीएस कॉलेजेस भी अलॉट हुए हैं, साथ ही साथ एमबीबीएस कॉलेज भी जो वो अलॉट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीडीएस एमबीबीएस मिक्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो पूरी की पूरी। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और ऑफिशियल नोटिस जो डिक्लेयर किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर का भी एक नोटिस आया, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी अपने रिजल्ट के रिलेटेड या फिर कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप जो है ईमेल के थ्रू इनको जो है मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर विच द प्रोवाइडेड रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट को जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ये ईमेल है, मैं आपको थोड़ी सी मेंशन करके बता देता हूँ, ये इनकी ईमेल आईडी। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी लग रही है तो आप इनको जो ईमेल कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, कल दोपहर 1 बजे से पहले पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो इमीडिएटली टू बी इन्फॉर्म टू एमसीसी ऑफ डीजीएस अप टू 1 PM, यानी कि कल 24 तारीख तक जो है आप इनको जो है इन्फॉर्म कर सकते हो 1 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म्ड प्रोविजनल रिजल्ट ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज, द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर अलॉटेड द सीट्स, द प्रोविजनल रिजल्ट एंड द प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसके अलावा तो आप पढ़ ही सकते हो इसका क्या मतलब। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इनको जो है मेल करके पूछ सकते हो। उसके बाद क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको अप्रोच करना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको इंस्टीट्यूट मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना इनकी ऑफिशियल एमसीसी की वेबसाइट से, जो आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। अभी नहीं आया है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो है आपका क्या होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड जरूर करना है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगी, ओके। तो बच्चों इस पीडीएफ को मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो भेज दूंगा तो आप वहां जाके भी अपना रिजल्ट जो वो चेक कर सकते हो। और ये अभी प्रोविजनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट के अंदर हमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि यही रिजल्ट आपका जो रहेगा। तो जिन भी बच्चों को सीट मिली है उनको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। अब आप ऑफिशियली जो एक तरह के डॉक्टर जो है वो बन चुके हो और बस अब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट होने बाकी है। इसके साथ साथ जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है तो उन बच्चों को निराश नहीं होना है, उनको क्या करना है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दी है जिसमें मैंने पीडीएफ में यह बताया कि आपको सेकंड राउंड के अंदर कौन कौन से कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर रखने हैं या फिर थर्ड राउंड के अंदर कौन कौन से कॉलेज जो चॉइस फिलिंग के अंदर रखने हैं, तो वो वाली वीडियो देखना ना भूले और निराश नहीं होना है। अभी हमारे पास काउंसलिंग के काफी ज्यादा राउंड जो है वो पेंडिंग है, अभी फर्स्ट राउंड ही जो है वो गया है। तो इसलिए निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, वो वाली वीडियो जरूर देखो ताकि आपको पता लग सके कौन से कॉलेज रैंक पे कौन कौन से कॉलेज जो आपको मिल सकते हैं। और इसी तरह की कट ऑफ के रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड वंस अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों को कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं।